ओके थैंक्स सर और अभी बड़ी पॉइंट में इंड वाले का बर्थडे है जिसने जीरो सेवनटीन को बनाया जीरो सेवनटीन को खड़ा किया जीरो सेवन का आइडिया लेके आया और उसका बर्थडे आया पठान का वादा अदनान की मोहब्बत में मैं भी यही कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी का मैं वही बोल रहा हूँ ना मीडिया को कॉन्ट्रोवर्सी का कोई सवाल मत पूछो अच्छे सवाल एजाज भाई क्या कहना चाहेंगे आज अदनान का जन्मदिन है कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं क्या कुछ धमाल मस्ती होने वाली है यहाँ पे बहुत धमाल होने वाली है आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है एंड इज द गाय हु इन्वेंट 07 थीम इसने 07 इसका बर्थडे आज लोगों को पता चलना चाहिए 07 है क्या 07 इसका बर्थडे है और इसी ने वो टीम को इन्वेंट किया है और इतने सुपरस्टार टिकटॉकर और इतने सुपरस्टार एक्टर इसने अपने सारे दोस्तों को लेके ये टीम को बनाया और आज देखो कितनी आगे जा रही है टीम एंड आई विश देम ऑल द लक इसकी बर्थडे को ये लोग और राइज करें और बड़े हो जाए टीम 07 की एक क्वालिटी क्या है और अदनान का जन्मदिन है कोई क्वालिटी बताना चाहेंगे इनकी जो आपको सबसे खास लगती है हाँ टीम 07 की क्वालिटी ये है कि टीम 07 जेम्स बॉन्ड की तरह है 707 की ये बॉन्ड है तो और मैं बम्बई का बॉन्ड हूँ अच्छा सर इतना सब होने के बाद भी आप लोग साथ में हैं फैंस लोगों ने इतना सपोर्ट किया है क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में यार आप लोगों की मोहब्बत के हम शुक्रगुजार हैं कर्जदार हैं आप लोगों का बहुत बहुत एहसान है आप इस तरह से प्यार करते रहिए इनको सपोर्ट करते रहिए और अभी दूसरा सवाल अदनान से पूछिए आपसे ही जानना चाहेंगे टिकटॉक हाउस आने वाला है आप कितने एक्साइटेड हैं टिकटॉक टिकटॉक हाउस आने वाला है और ये उसके प्रोड्यूसर है डॉन सिनेमा पे आने वाला है और मैं उसको एंकर करने वाला हूँ तो आपको पता है एंटरटेनमेंट कितना होने वाला है क्योंकि एंटरटेनमेंट ओनली इज गोना बी फन इतने टैलेंटेड डांसर्स इतने टैलेंटेड खूबसूरत लड़कियाँ और इतने अच्छे एक्टर सब बॉडी वॉडी लेके इतना मतलब इतना घमासान होने वाला है और बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है मतलब राइवल्स एंड लव and entertainment and lot of tasks so abhi TikTok house and big boss house oh my god nahi main bhai to bhai hai yaar bhai ke jaisa koi ho sakta hai yaar but ha bhai ki kuch cheeze maine bhi chori kiya hu big boss se wo isme thoda nikalunga ready He's ready, you see. He's a challenger guy, you know. Challenge though, ready hai. अबे भाई को कोई टक्कर दे सकता है भाई की पहली पिक्चर देखा मैं घर से भाग के आया बाबा तो भी तेरे व्यू नहीं आने वाले तो भी तेरे व्यू नहीं आने वाले एजाज भाई हम आपके फोन को भी 25 साल हो गए कुछ विश करना चाहेंगे सलमान भाई के लिए हाय कसम खुदा की आपको देख के बहुत सारे लड़के वर्कआउट किए बहुत सारे लड़के हीरो बनना चाहे बहुत सारे लड़के उसमें से एक मैं भी हूँ खैर आपने तो मुझे बहुत प्यार दिया और आप बहुत प्यार करते भी हो माशाल्लाह लेकिन मैं एक गाना गा देता हूँ भाई पहला पहला प्यार है पहली पहली बार है जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है एक नंबर भाई हम सब हम आपके कौन के कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मैंने की थी सलमान भाई की और आज मैं इधर प्रोड्यूसर बन के 25 साल के बाद में इधर खड़ा हूं वेरी हार्ड वर्किंग मैन वेरी इन्होंने चॉकलेट फिर आशिक बनाया आपने दिल दिया
शुक्रिया इमरान हाशमी के साथ बहुत पिक्चरें बनाई है। ओके इजाज़, आपसे जानना चाहेंगे आज अदनान के लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट होने वाला है? बर्थडे है तो क्या गिफ्ट करोगे? सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, रिवील कर दीजिए, फैंस भी बहुत डर रहे हैं। सरप्राइज एक लड़की अभी बुरके में गई है, उसके ऊपर से पर्दा मिलेगा ऊपर जाके। ओह ऐसे है क्या? और वो लड़की नहीं है, वो लड़का है। एजाज भाई, हम सब जानते हैं आप देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अभी जो एक ऐतिहासिक फैसला है 370 को लेकर। भाई मुझे कुछ पता नहीं। मैं पूछा नहीं, बर्थडे की बात करें, बर्थडे की बात करें यार बाबा। लेकिन आपका ओपिनियन तो होना ही चाहिए। किस बात पे? 1970 में जो रिवोक किया है मोदी जी ने, ये नहीं आएगा। रिवोक किया गया है मोदी जी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? पहले मैं इस पे पढ़ूंगा, मैं देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। देख मैं इस चीज में कोई बोलने वाला नहीं है, लॉ का काम है। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि कश्मीरी, आई लव कश्मीरी पीपल, आई लव कश्मीर, क्योंकि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। हम चाहते हैं कश्मीर इंडिया में और वो हो रहा है, और हम दुआ करते हैं कि हम सब मिलजुल के रहे और हमारे देश में अमन फैले, चैन फैले, और तेरे जैसे रिपोर्टर को अल्लाह बस मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कभी कुछ भी नहीं है। मैं भाई को इन्वाइट किया था, अभी इससे पहले भी मतलब मैं जब लास्ट टाइम जो मैटर हुआ था, एक मैटर था, तो वो टाइम पे भी मैं भाई को नहीं बताया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि बिजी थे, बिजी होंगे, उनका काम वगैरह था, शूट्स है ना, तो मैं नहीं इन्फॉर्म किया था। पर वो टाइम पे पता चला था, तो रमज़ान में रोज़ा रख के पूरी टीम के साथ लवर लेके ये कॉल करते हैं, तो वो टाइम से फिर भाई की इज्जत जो थी और ज़्यादा हो गई है। फिर मैं तब से मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ मत कर, मेरे लिए तो स्टार बन छोटे। एक आखिरी सवाल, राखी सावंत ने शादी की है, बताइए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा एनआरआई के साथ शादी में? अरे राखी सावंत मेरी दोस्त है, एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने पूरे घर को बाल पोस के बड़ा किया है, उसको हिंदुस्तान की सारी लड़कियों को राखी सावंत को आइडल मान के। जी राखी सावंत एक कैरेक्टर है, जो वो कॉमेडी करती है वो सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए करती है, उसकी पर्सनल लाइफ है। मैं उसको तहे दिल से विश करता हूँ कि राखी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहे, अमन और चैन से रहे, और हमारे एनआरआई जीजा जी कौन है वो मुझे पता है। क्योंकि बर्थडे की खुशी में जानता हूँ मैं, मुझे बर्थडे कर नहीं पाया था, मैं कितना एक्साइटेड था बर्थडे करने के लिए। रात दो बर्थडे बनने दो बर्थडे मतलब डबल सेलिब्रेशन। अभी तो आप लोग बहुत फेमस है, लेकिन जब आप फेमस नहीं थे तब कैसे सेलिब्रेट करते थे अपना जन्मदिन? अंडे से, अंडे से, अंडे फोड़ के, अंडे फोड़ के आटा डालते थे, तेल डालते थे, अभी भी डालते हैं, लेकिन अभी थोड़ा अदनान बच गया, अदनान बच गया, करेंगे करेंगे, कल करेंगे, नहीं अभी रात में करेंगे। इसके ऊपर ऐसे ही होने वाला है या फिर सब पे हो चुका भी बख्श दिया? सब पे हो चुका, इसका भी बख्श। अच्छा, और क्या गिफ्ट दिया आप लोगों ने? कोई गिफ्ट अभी तक तो कुछ दिया नहीं, सरप्राइज है, सरप्राइज पता चलेगा। और इसको क्या गिफ्ट दिया आप लोगों ने? कुछ नहीं, इसको इसको टेंशन कुछ नहीं, मुझे टेंशन दे, कितना स्पेशल होगा इसको बर्थडे के दिन। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, 07 मतलब 07 अदनान जी का बर्थडे भी 07, तो आज ही पता चला, तो उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा आप लोगों को जो है कंट्रोवर्सी के बाद ये फर्स्ट टाइम आप लोग खातिब हो रहे हैं हमारे साथ, तो कितना मतलब रिलीफ फील कर रहे हो आप लोग अगर
कुछ इस बारे में शेयर करना चाहें क्योंकि पहला सेलिब्रेशन है इसका हमारा। बिल्कुल थोड़ा 9 मिनट मतलब अभी तक थिंग्स आर लाइक आज बर्थडे तो सब लोग खुश है एंड जो प्रॉब्लम्स चल रहे तो इंशाल्लाह जैसे वो कम्प्लीटली क्लियर होएगा तब सब टेंशन फ्री होंगे। अभी थिंग्स आर लाइक हाँ जब तक अकाउंट नहीं वापस आते ना तो तब तक टेंशन में ही रहेंगे सब लोग। बट वो तो हो गया है सब लोग जस्ट गोइंग विद द फ्लो जैसा हो रहा है वैसे फ्लो के साथ जा रहे हैं और चल रहे हैं सब लोग और जो भी होगा अच्छा ही होगा। यस थैंक यू सो मच सारा बड़ा सा भाई सिर पीछे ले भाई भाई कैप है ना बाबा अरे कैप खोले भाई पीछे जाओ बोल बोल दादी का बांगिया ब्यूटीफुल वुमन हीरा प्लीज अदनान पार्ट ऑफ द शो अदनान हैप्पी बर्थडे आपको कैसे मालूम है ये कलर पहने हैप्पी लकी लकी डांसर तानिया कैसे हो अरे यहां पे अदनान भाई यहां पे आओ भाई ये बाजू लकी स्पेलिंग प्लान यहां पर आ जाओ ये बाजू महबूब से तुम लो महबूब से तो मैं तो टाइम भी नहीं है मेरे से खतरनाक डांसर है बहुत ही अच्छा डांस करता है छोटा भाई है तो थोड़ा नहीं बहुत लेट हुआ अभी सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड्सों के साथ मैं आप लोगों के साथ केक काटा हूँ अपने फ्रेंड्सों को छोड़ के आया हूँ आप लोग बहुत टाइम से वेट करें और सॉरी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आए सो सॉरी मैं आप लोग को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग आए तो मैनेज करना पड़ रहा है कोई लेट हो गया रहेगा कोई ना कोई रीजन होगा तो मैं हूँ यहाँ पे मेरा बर्थडे है मैं अपने ऊपर जितने फ्रेंड्स आए मैं उन लोगों को छोड़ के तो मैं तो आया हूँ बाइक देने के लिए मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं अपना अपने और भी फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ पे मैं आप लोग यहाँ से ऊपर गए हैं पर वो मीडिया के सामने नहीं हुए हैं अगर आपको जवाब देना है आप कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी होगी पर जो भी स्टार वो एक जवाब देता है पर वो छुप के ऊपर गए पर इसका रीजन इसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा मैं अपना बिट किया हूँ आप लोग आए मैं आप लोग को यहाँ पे इन्वाइट किया हूँ तो आप लोगों को मैं बाइट किया हूँ मेरा बर्थडे मैं अपनी बर्थडे छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ ऊपर भी जाना है यार